हरियाणा के गृह मंत्री दिल्ली से अंबाला जाते समय पानीपत स्काईलार्क पर रुके हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार किसानों की फसल एमएसपी पर ही खरीदेगी। आपको बता दें कि यहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मेगा वैक्सीनेशन डे रखे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। वहीं पिछले काफी समय से एनएचएम भर्ती घोटाले की जांच चल रही है, जब इसके बारे में अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी उन्हें भी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कुछ मामला है तो जानकारी के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने दो गुमशुदा बेटियों की जांच के प्रश्न पर कहा कि दोनों गुमशुदगी बेटियों की जांच सीबीआई करेगी। पिछले दिनों अंबाला में जनता दरबार लगाया था जहां कुछ लोगों ने प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं करने की बात कही थी। प्रश्न का जवाब देते हुए विज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता मेरे पास इंसाफ की उम्मीद लिए आती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए हमेशा हाजिर हूं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी अनिल विज सुनता है। नहीं नहीं, खूब पूरे हो रहे हैं। आज लोगों ने खूब वैक्सीनेशन करवाई है और जिलों में 20-25 हजार लोगों ने आज करवाई है। ये दो दिन हमने मेगा वैक्सीनेशन डे रखे हुए हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, और ये बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा। सर, पीछे एनएचएम की भर्ती को लेके, 64 भर्तियों को लेके जो जांच हुई थी उसमें सीटीएम ने 64 भर्तियों गलत पाया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं उस पर? नहीं, मुझे पता कराना पड़ेगा क्या केस था, जानकारी नहीं। सर, अभी दो मामले हैं जो सीबीआई को सौंपे गए हैं बच्चों के गुम होने के, अभी तक उसमें जांच नहीं पहुंची, उनकी बच्चे 4-5 साल से गायब हैं। नहीं, वो तो हमने सीबीआई को दे दिए और सीबीआई करेगी उसकी जांच। सर, पहले दिल्ली में केस ज़्यादा आ रहे थे, अब हरियाणा में ज़्यादा आ रहे हैं इसके, अब मतलब पहले तो हम ब्लेम लगाते हैं कि दिल्ली से जो केस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ उसकी वजह से आ रहे हैं हरियाणा में, अब क्या? नहीं, उसकी प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं सब जगह पर, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। सर, अब फसल जो एमएसपी पे जो किसान मांग कर रहे थे, इस बार जो सरकार फसल लेगी वो एमएसपी पे लेगी, उठान कर क्या लेगी? एमएसपी पर ही लेगी, सरकार ने कब कहा कि हम एमएसपी पर नहीं लेंगे? किसान विश्वास नहीं कर रहे? नहीं, वो तो जब बिक जाएगी उनकी एमएसपी पे विश्वास हो जाएगा। सर, एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन है कि लोग, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपकी तरफ नजर रहती है, इंसाफ आपकी से उम्मीद रहती है, ऐसा क्यों? मैं तो हाजिर हूँ हर वक्त। सर, आपने कल जन अदालत लगाई थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग सुन रहे थे, क्या प्रशासन के लोग सुनते नहीं है? मेरे पास तो आते ही हैं, मेरे पास तो आते हैं, जिसकी कोई। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।